फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एवरीडे चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट स्टडी एवरीडे वीडियोस अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, परसों से अपने मिड सेम शुरू हो रहे ना, ये टॉपिक का नाम हमारे सामने है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ओके, जैसा कि तुमको मेरी आदत पता ही है, हम लोग कभी पास होने के लिए नहीं पढ़ते, हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, ए प्लस लाने के लिए। तो इस बार भी हमें ऐसा ही कुछ करना है। जैसा कि स्टूडेंट की क्वेरीज मेरे पास आई है, तो कुछ टॉपिक्स हम लोग उठा के देखते हैं जो मिड सेम में आ सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारे सामने आ जाता है प्रोपोजिशन, हमने यहां पर क्या ले लिया, प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन में एक्चुअली बहुत कुछ होता है। अब प्रोपोजिशन मींस होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलता हूं माय नेम इज जयेश, तो क्या है प्रपोजिशन है? यस, ये प्रपोजिशन है। अब क्यों है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये आप लोग समझ जाओगे अभी। देखिए प्रपोजिशन क्यों है। अब मैंने बोला हाउ आर यू, क्या ये प्रपोजिशन है? नो, हाउ आर यू इज नॉट अ प्रपोजिशन। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बोलता हूं माय डेट ऑफ बर्थ इज 15 अगस्त, तो ये प्रपोजिशन में आता है क्या? यस, ये प्रपोजिशन में आएगा। भले ट्रू हो या फॉल्स हो, जिस सेंटेंस का आंसर हमको ट्रू या फॉल्स में मिल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन। और जिस सेंटेंस का आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं मिले वो प्रपोजिशन नहीं कहलाता है। जैसे कि हम लोग यहां पर देखते हैं हाउ आर यू, क्या हाउ आर यू का आंसर हम ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। लेकिन माय नेम इज जयेश या तो ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। माय डेट ऑफ बर्थ इज 15 अगस्त, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, तो प्रपोजिशन मीन्स क्या होता है, वो सेंटेंसेस जिनका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में दे सके उनको हम बोलते हैं प्रपोजिशन। ओके, अब प्रपोजिशन के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक भी होता है, दैट इज नोन एज कंपाउंड प्रपोजिशन। जैसा क्या नाम से मालूम पड़ रहा है, प्रपोजिशन के आगे क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स जब मोर देन वन प्रपोजिशन मिल जाए, डेट इज नोन एज कंपाउंड प्रपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं यहां पे बोलता हूं माय नेम इज जयेश और माय डेट ऑफ बर्थ इज 15 अगस्त, अब यहां पर दो प्रपोजिशन आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज माय नेम इज जयेश, या तो ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट वन इज माय डेट ऑफ बर्थ इज 15 अगस्त, ये भी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ऐसे प्रपोजिशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन। हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेयर्स आर ब्लैक एंड nails are white, this is also a kind of proposition। या तो बाल काले होते हैं, ट्रू या फॉल्स में आ जाएगा, यस ब्लैक है अदरवाइज नहीं है। nails are white, ये भी ट्रू या फॉल्स के अंदर आ जाएगा। तो जो प्रपोजिशंस एक से ज्यादा हो, या हम बोल सकते हैं जब एक से ज्यादा प्रपोजिशन मिल जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन। ओके, तो वन थिंग इज प्रपोजिशन मीन्स व्हाट, जब किसी सेंटेंस का आंसर ट्रू या फॉल्स मिले उसे हम बोलेंगे प्रपोजिशंस, और जब एक से ज्यादा प्रपोजिशंस मिल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन। अब तीन बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस। हम सभी लोग इसका यूज करते आए बचपन से। नंबर वन इज कंजंक्शन,
नंबर टू इज डिसजंक्शन और नंबर थ्री इज निगेशन। ये तीनों क्या कहलाते हैं? बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस। अगर हम सिंबॉलिक रूप में देखें तो कंजंक्शन के लिए क्या सिंबल होता है हमारे पास में? दिस वन। डिसजंक्शन के लिए क्या सिंबल आता है? दिस वन। और निगेशन के लिए क्या सिंबल आता है? दिस वन। या तो हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग इस सिंबल को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो कंजंक्शन का मैथमेटिकल में दूसरा नाम क्या होता है? एंड। डिसजंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? और निगेशन का अदर नेम क्या होगा? बट नेम तो नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? अपोजिट। बट अपोजिट इज नॉट अ नेम फॉर निगेशन। ये तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है आपके समझने के लिए कि निगेशन को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? अपोजिट। ओके, तो तीन तरह के बेसिक लॉजिक ऑपरेशन हमारे सामने है ना। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। इस केस में इन तीनों लॉजिक ऑपरेशंस का बहुत यूज होता है। यानी हमको एक टॉटोलॉजी प्रूफ करना है, डेट मीन्स ये तीनों ऑपरेशंस होते क्या है हमें पता होना चाहिए। अब कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें क्या होता है? तीनों ऑपरेशंस का यूज पता होना चाहिए। अब टॉटोलॉजी का यूज, टॉटोलॉजी मीन्स क्या होता है ये भी दिमाग में क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट नए हैं जिनको अभी नहीं मालूम कि टॉटोलॉजी क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, डेफिनेटली उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टॉटोलॉजी मीन्स होता क्या है। तो हम देखेंगे टॉटोलॉजी मीन्स होता क्या है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जब किसी ऑपरेशन के बाद आउटपुट में हमको सारे टी ही मिले, एक भी एफ ना मिले, दैट इज नोन एज टॉटोलॉजी। और कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स क्या होता है? जब किसी ऑपरेशन के बाद सारे आउटपुट हमें क्या मिले? एफ मिले, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले में यहां पे क्या समझना है? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को समझने के लिए हम लोग यहां पे क्या एग्जांपल लेते हैं? पी एंड क्यू का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो यहां मैं क्या करता हूं, पहले यहां हमने P ले लिया, यहां पर हमने क्या ले लिया? Q। और एक थर्ड कॉलम में यहां बनाता हूं P एंड Q के लिए। ओके, देन हम यहां पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इस टेबल में कितनी रो आएगी। तो इस टेबल में रो कितनी आने वाली है? वन टू थ्री एंड फोर। तो टेबल में फोर रो आने वाली है। अब मैंने यहां पर फोर रो ही क्यों बनाई, देख लेते हैं। पी को मैंने यहां पर क्या ले लिया? टी टी एफ एंड एफ। क्यू के लिए हम क्या लेते हैं? टी एफ टी एंड एफ। यहां से टी से मीनिंग यहां पर क्या होता है? ट्रू। और एफ का मीनिंग यहां पर क्या है? फॉल्स। तो दो चीजें हमारे पास, टी फॉर ट्रू होगा, एफ मीन्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो टी मीन्स हम क्या ले सकते हैं? वन। और एफ मीन्स हम यहां पे क्या ले सकते हैं? जीरो। ओके, अब और सिंप्लीफाई मैं इसको करता हूं। जो हमने पी और क्यू के बीच में यूज किया है दैट इज व्हाट? एंड। इसको आप मान के चलिए मल्टीप्लीकेशन का सिंबल। ओके, मल्टीप्लीकेशन की तरह इसको मान के चलिए तो और ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। अब यदि हम बात करते हैं टी और टी, हमें ऑपरेशन क्या निकालना है यहां पर? पी एंड क्यू का। पी मीन्स कितना है? टी। और क्यू मीन्स कितना है यहां पर? टी। और बीच में क्या है? एंड। अब सिंपल समझिए, पी एंड क्यू को हमें यहां पर क्या मिलेगा? वन मल्टीप्लाई विथ वन, यानी आउटपुट में कितना आने वाला है? वन ही आने वाला है। और वन की प्लेस पे हमें क्या पुट करना है? टी। मल्टीप्लीकेशन की प्लेस पे हमें क्या पुट करना है? एंड। वन की प्लेस पे हमें क्या पुट करना है?
तो इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा यहां पर, टी, यानी टी एंड टी कोस टू कितना आता है टी। अब हम बात करते हैं टी एंड एफ की। टी मीन्स कितना, वन, एंड मीन्स कंजंक्शन मीन्स कितना, मल्टीप्लीकेशन, और एफ मीन्स क्या आ जाएगा, जीरो। तो वन इंटू जीरो कितना आता है यहां पर, जीरो, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब वन की प्लेस पे मैं क्या डाल देता हूं वापस, टी, मल्टीप्लीकेशन की प्लेस पे एंड, और जीरो की प्लेस पे एफ, और यहां पे भी जीरो है, जीरो की प्लेस पे कितना आ जाएगा एफ। अब हमें यहां पे क्या पता करना है, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन पी कितना है हमारे पास, एफ, और एफ को हमने क्या माना है अभी, जीरो। एंड के सिंबल एंड के लिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, और टी की प्लेस पे कितना आ जाएगा, वन। तो जीरो इंटू वन हमें कितना मिलने वाला है, जीरो। अगेन मैं इसको वापस करेक्ट कर देता हूं, जीरो एक्चुअली लिखना नहीं, हमें जीरो की प्लेस पे क्या लिखना है, एफ, वन की प्लेस पे हमें क्या लिखना है, टी, और मल्टीप्लीकेशन की प्लेस पे हमें क्या डालना है, कंजंक्शन का सिंबल, और अगेन जीरो की प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, एफ। और एफ इंटू एफ मीन जीरो इंटू जीरो हमें क्या मिलेगा, जीरो। डेड मीन्स कितना मिलने वाला है हमें यहाँ पे, एफ ही मिलने वाला है। ओके, सो अब यदि हम इसको देखें, अभी हमने टोटोलॉजी या कंट्रडिक्शन नहीं पढ़ा है, हमने ओनली क्या समझा है कि कंजंक्शन का यूज क्या होता है ना। अब यदि मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं अच्छे से, तो टी एंड टी कितना आने वाला था, टी, टी एंड एफ कितना आने वाला था, एफ, एफ एंड टी कितना आने वाला था, एफ। अगर मैं इस आउटपुट के कॉलम में देखो, पी एंड क्यू सारे टी है क्या, नहीं, मतलब टोटोलॉजी यहाँ पे नहीं है। सारे एफ है क्या, नहीं, डेट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन भी इस जगह पे नहीं है। ओके, तो ये था समझने के लिए कंजंक्शन, करेक्ट। तो इस तरीके से हमको कंजंक्शन को समझना है। अभी हमने कंजंक्शन समझा ट्रू एंड फॉल्स के केस में। ओके, अब हमें क्या करना है, इसी कंजंक्शन को समझना है प्रपोजिशन के वे में। अगर मैं प्रपोजिशन के वे में बात करता हूं, ओके, अगर हमको यहां पर सॉल्व करना है, मैं यहां पे दिया गया है 2 + 2 = 6 एंड माय नेम इज जयेश, तो इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। अगर मैं देखू 2 + 2 = 6 होता है क्या, नो, मीन्स फॉल्स यहां पे आने वाला है। और एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अब माय नेम इज जयेश है या नहीं है, ये तो हम बात की जगह मान ले, माय नेम इज जयेश इज ट्रू। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा नाम जयेश है और ये क्या है, ट्रू है, और 2 + 2 = 6 ये क्या है, फॉल्स। सो फॉल्स इंटू ट्रू हमें यहां पे क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। यानी प्रपोजिशन के केस में यदि हम कंजंक्शन को समझे तो हमें किस तरीके समझना पड़ेगा, एक प्रपोजिशन ये हो गया, दूसरा प्रपोजिशन ये हो गया, और इनके बीच में सिंबल कौन सा आ गया, एंड। तो कंजंक्शन में फॉल्स कब आता है, पी एंड क्यू। अगर पी और क्यू दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स। ट्रू होने की सिर्फ एक कंडीशन है कि दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, तभी वो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं कंजंक्शन के बाद डिसजंक्शन को। अब मैं यहां पर लेता हूं डिसजंक्शन। अब यदि हम डिसजंक्शन की बात करते हैं तो कौन सा सिंबल माइंड में आता है, ये वाला सिंबल। अगर एंड के लिए हमने मल्टीप्लीकेशन लिया था तो इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, प्लस, यानी एडिशन। ओके, और इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम मैथमेटिकल की लैंग्वेज में, और। अब डिसजंक्शन का एग्जांपल हमको समझना है, तो उसके लिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, अगेन एक ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, पी क्यू, पी यूनियन क्यू। अगेन मैं यहां पर कितनी रो बना रहा हूं, 4। कंजंक्शन में मैं बताना भूल गया था आपको कि 4 रो ही मैं क्यों बना रहा हूं,
अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि फोर रो हम लोग क्यों बना रहे हैं। क्या होता है पी और क्यू, कितने वेरिएबल है हमारे पास? दो। तो हमें क्या करना है, टू को रखना है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू के ऊपर पुट करना है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हमारे पास? दो है, पी और क्यू। तो टू की पावर टू मतलब कितना मिल रहा है हमको यहाँ पर? फोर। तो कितने रो बनने वाले हैं यहाँ पर? फोर रो बनने वाले। दैट मीन्स पी टी एफ और एफ के लिए। क्यू के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा? टी एफ टी एफ। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है पी और क्यू। अगेन मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, टी डेट मीन्स ट्रू या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं वन, एफ डेट मीन्स फॉल्स या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं जीरो। ओके, और जो सिंबल है और मैंने प्रोनाउंस कर ही दिया इसको और, या फिर हम इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे? प्लस की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, अब मैं बात करता हूं टी और टी की। टी मीन्स कितना होता है? वन। और यहाँ पे भी टी मीन्स कितना है? वन। तो टी वन प्लस वन एक्चुअली कितना होता है? टू। लेकिन हम उसको क्या मान के चलेंगे? हमेशा वन। क्यों? बिकॉज जीरो और वन बाइनरी में से ज्यादा कुछ होता ही नहीं। अगर दो भी आता है तो हम उसको क्या मानेंगे? वन लेके चलेंगे। तो टी प्लस टी, टी और टी हमें कितना मिल गया यहाँ पर? टी। अब बात करते हैं टी और एफ की, यानी वन प्लस जीरो कितना मिलेगा हमको? वन। अब बात करते हैं जीरो प्लस वन की, कितना मिलेगा यहाँ पर? वन। जीरो प्लस जीरो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? जीरो। जीरो लिख दिया मैंने यहाँ पर। जीरो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में यहाँ पर क्या लिखना है? एफ। तो जब इस क्वेश्चन को देखें तो जब हम डिसजंक्शन यूज करते हैं हमें सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स मिलता है, जब पी भी फॉल्स हो और क्यू भी फॉल्स हो। अगर दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू। अदरवाइज हमें क्या मिलने वाला है? फॉल्स। अब इसी डिसजंक्शन को यदि हम समझे प्रोपोजिशन के केस में, तो प्रोपोजिशन में डिसजंक्शन कैसे यूज करेंगे? टू प्लस टू इक्वल टू सिक्स और माय नेम इज जयेश। ओके, अब यदि मैं यहां पर देखूं तो दो सेंटेंस है हमारे पास या दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या है? टू प्लस टू इक्वल टू सिक्स। क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि ये फॉल्स है। ओके, और डिसजंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? माय नेम इज जयेश। अब ये ट्रू है या फॉल्स है मैं ही जानता हूं, अभी मैं इसको क्या मान लेता हूं? ट्रू। अब फॉल्स और ट्रू तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर? आंसर में ट्रू ही मिलने वाला है। तो डिसजंक्शन को प्रपोजिशन में इस तरीके से लिखते हैं कि दो स्टेटमेंट आएगी, तीन स्टेटमेंट आएगी, चार स्टेटमेंट आएगी, बट उन स्टेटमेंट के बीच में कौन आने वाला है? डिसजंक्शन आने वाला है। ओके, अब डिसजंक्शन के बाद हम लोग समझते हैं निगेशन के बारे में। अब हमें यहां पर क्या देखना है? निगेशन। अगर निगेशन को हम लोग देखें तो क्या सिंबल आता है? दिस वन, दिस वन, है ना। और मैंने एक सिनोनिम बताया था निगेशन, निगेशन के लिए, दैट वाज अपोजिट। मींस किसी भी स्टेटमेंट का अपोजिट, दैट इज नोन एज निगेशन। फॉर एग्जांपल माय नेम इज जयेश इज अ स्टेटमेंट। अगर मैं इसका निगेशन निकालू तो क्या निकलेगा? माय नेम इज नॉट अ जयेश। ओके, तो निगेशन मीन्स किसी भी स्टेटमेंट का अपोजिट। अगर मैं बोलता हूं टू प्लस टू इक्वल्स टू सिक्स, तो इसका निगेशन हमें क्या मिल जाएगा? टू प्लस टू इज नॉट इक्वल टू सिक्स। ये निगेशन है। मीन्स किसी भी स्टेटमेंट का अपोजिट यदि हमें मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? निगेशन, इन द केस ऑफ प्रोपोजिशन। अब इसी निगेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगेन पी और क्यू की हेल्प लेते हैं। अभी हम यहां पी लेके चलते हैं। मैंने एक पी ले लिया और हमें यहां पर क्या निकालना है? निगेशन ऑफ पी। अब देखिए यहां पर कितने वेरिएबल है हमारे पास? ओनली वन वेरिएबल है, दैट मीन्स टू की पावर वन। तो कितनी रो बनाना पड़ेगी हमको? दो रो। पहली रो में मैंने पुट कर दिया टी, दूसरी रो में मैंने पुट कर दिया एफ।
अगर मैं टी का निगेशन देखता हूं तो हमें क्या मिलने वाला है, एफ। अगर मैं एफ का निगेशन निकालता हूं तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, टी। ओके, तो आउटपुट बिंदु यदि हम देखें, ना तो ये टोटोलॉजी है ना तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये टोटोलॉजी किस केस में होगा, अगर सभी हमको टी टी मिलते हैं, और कॉन्ट्रडिक्शन किस केस में होता है, अगर सभी आउटपुट हमें क्या मिले यहाँ पर, एफ मिले। अब इसी निगेशन को यदि हमें प्रोपोजिशन के केस में समझना है, तो इस केस में समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 + 2 = 6 एक स्टेटमेंट है, तो इसका निगेशन हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैं निगेशन निकालू तो 2 + 2 = 6। ओके, अनदर प्रोपोजिशन स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, माई नेम इज जयेश, इसका निगेशन हमें क्या मिलेगा, माई नेम इज नॉट जयेश, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आई एम नॉट जयेश। ओके, द केस माई नेम इज नॉट जयेश, एनीथिंग, जो भी निगेशन बताए इस स्टेटमेंट का उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, निगेशन। हमें अभी देखना है कि प्रोपोजिशन और ट्रूथ टेबल में क्या रिलेशन है। प्रोपोजिशन एंड ट्रूथ टेबल दोनों में क्या रिलेशन रहता है। अब अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल मींस क्या है, जो भी हमने यूज करके देखा था कि हम इसके अंदर पी स्टेटमेंट को लेते हैं, क्यू स्टेटमेंट को लेते हैं, आउटपुट में हमें कुछ मिलता है, दैट इज नोन एज ट्रूथ टेबल। अब प्रोपोजिशन मीन्स क्या होता है, प्रोपोजिशन मीन्स एनी स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज जयेश, अगेन मैंने इस स्टेटमेंट को ले लिया। अब मान लीजिए इस स्टेटमेंट को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूं, पी। सेकेंड मैंने ले लिया 2 + 2 = 6, अब इसे मैं क्या कंसिडर कर लेता हूं, क्यू। ओके, अब हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, कंजंक्शन, डेट मीन्स पी एंड क्यू। ओके, तो ये रिलेशन होता है प्रपोजिशन एंड ट्रूथ टेबल के बीच में, बिकॉज प्रपोजिशन का आंसर भी ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। ओके, और ट्रूथ टेबल का आंसर भी किसके अंदर आता है, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ही आता है। तो दिस इज नॉन एज प्रपोजिशन एंड ट्रूथ टेबल्स के बीच में रिलेशन।